हेलो एवरीवन, मैं बबीता आप सभी का क्यान एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री लूसेंट के कुछ क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में कवर किया था। फ्रेंड्स, आज हम उसी के आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, ये यहाँ की जगह ये क्वेश्चन में कहाँ है, कहाँ कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये कहाँ है, कहाँ कहाँ स्थित है क्वेश्चन में? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। जय संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे कौन थे? जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे कौन थे? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त्य। अगस्त्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है?
फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये क्या है, हमारे वेद हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। और ये विष्णु पुराण क्या है, ये हमारा पुराण है, इसलिए ये क्या है, वेद नहीं है, इसलिए ये हमारा विषम हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाल स्नानागार या ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था। विशाल स्नानागार या ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इन्होंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मेल कीजिए। फ्रेंड्स मैं चाहूंगी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद कहलाता है। फ्रेंड्स हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। फ्रेंड्स यहां गया आएगा ना कि गए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में
बृहद स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा, फ्रेंड्स यहाँ धौलावीर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ भी धौलावीरा आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। जल संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई ड्रेस थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो अवशेष मिले हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं वो ये संकेत देते हैं हम लोगों को कि ये जो शानदार और योजनागत तरीके से जो बनाई गई थी वह क्या थी? तो वह व्यापारिक नगरी थी। तो फ्रेंड्स, व्यापारिक नगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहने का मतलब है कौन सा प्रेम विवाह था, यह कौन सा प्रेम विवाह आएगा। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरगाह। बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैद त्रय का भाग नहीं है? फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नहीं है, भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैद त्रय का भाग नहीं है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवां मंडल। नौवां मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।